हमेशा याद रखिएगा, मैं हर बार बोलता हूं कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो ग्रो तब करती है जब लोग होल्ड करते हैं, वो ग्रो तब करती है जब उसके यूज केसेस होते हैं, वो ग्रो तब करती है जब लोगों को पता लगता है कि यार मेरे पास अगर ये क्रिप्टो है तो इसको होल्ड करके मैं ये फायदे उठा सकता हूं, मैं इसको इन इन जगहों पर इस्तेमाल कर सकता हूं। आप में से, हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसको रोज सुबह का ब्रेड बटर मक्खन चाहिए हो इस क्रिप्टो करेंसी को बेच के, बट हम यहां पे आपको ऐसे ऑप्शंस भी देते हैं कि आप ब्रेड बटर मक्खन दूध दही घी सब्जी भी खरीद सकते हैं यूजिंग एस पे। ऑप्शंस हैं, हम बहुत नए हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप एक ऐसे इकोसिस्टम का पार्ट बन चुके हैं जो बहुत नया है, अभी शुरुआत हुई है इसकी, जन्म हुआ है इसका, एक साल का भी नहीं हुआ अभी ये इकोसिस्टम, और ऑलरेडी इसके अंदर हम वो करके दिखा चुके हैं जो मैं चैलेंज करता हूं। आप मुझे एक इकोसिस्टम बताएं जहां पे आप अपने क्रिप्टो को डेक्स पे यूज कर सकते हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे जा सकते हैं, आप उन्हें यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं, आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसे स्टेकिंग में डाल सकते हैं, खुद की स्टेकिंग में डाल सकते हैं, थर्ड पार्टी स्टेकिंग में डाल सकते हैं, आप उस क्रिप्टो करेंसी को फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स पे ले जा सकते हैं, आपको वहां डॉलर भेजने की जरूरत नहीं है, आईबेल हमारा पार्टनर है, आप वहां जाइए, आप वहां पे जाके एस कैश डिपॉजिट कीजिए, आपको इंस्टेंट क्रेडिट मिलता है यूएसडी का, आप वहां से फॉरेक्स ट्रेड कीजिए, अपने विड्रॉल्स लीजिए। सी द पॉइंट इज, आपके पास वो सारे तरीके हैं यहां पे जो आज की डेट में कोई भी क्रिप्टो करेंसी दुनिया में कोई भी इकोसिस्टम नहीं दे पाया, और अभी हमने शुरुआत ही करी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मेरे पास आज $1,000 है, मैं उस $1,000 में क्या करता हूं, मैं अगर मैं एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हूं, मैं क्या करूंगा, मैं एक्सचेंज पे जाऊंगा, मैं कहूंगा यार अभी ना, अभी अगर मैं देखूं मुझे अगर $15,000 चाहिए हो तो शायद सेलर बैठा है 90 सेंट्स पे, बट अगर मुझे $2,000 या $3,000 लगाने तो मेरे पास 70, 72, 75, 80 सेंट्स तक मैं प्रोक्योर कर सकता हूं। मैं अपना दिमाग चलाता हूं, मैं 80 सेंट पे एस कैश प्रोक्योर करके होल्ड कर लेता हूं और मैं उसको एपीवाई में डाल देता हूं अपने इंटरनल सिस्टम की, जो आपको एस कैश के बदले एस कैश रेगुलरली देता रहता है, डॉलर के बदले डॉलर कन्वर्ट करके आपने एस दिया, आपको डॉलर का वैल्यू मिली, आपको डॉलर इन रिटर्न मिला एट 100% एपीवाई, आपने इसको एस कैश में कन्वर्ट किया। उस एस कैश को कहां यूज कर सकते हैं, अभी हमारे पास एक लेटेस्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो है टोकन में इन्वेस्ट करने की। उस दिन रिमी जी साथ में थी, हम टोकन्स को हमने ना सरसरी तौर पे ले लिया था। मैं आज आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहता हूं कि टोकन्स एक्सचेंज के फायदे क्या हैं। देखिए, पहला तो एक्सचेंज का फायदा होता है कि वहां पे आप मल्टीपल करेंसीज ट्रेड कर सकते हैं, ये सबको मालूम है, और उसके लिए टोकन्स में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे, और वो कोई ऐसा खास टोकन, खास मेरे ख्याल से अगर मैं कंपेयर करूं बाइनेंस या crypto.com या कॉइन्स बेस में बड़े बड़े एक्सचेंजेस की बात करूं तो शायद उतना बढ़िया उसका शुरुआत में यूआई और यूएक्स भी नहीं होगा, यानी यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस भी ना हो उतना अच्छा, बट बेसिक बाइंग सेलिंग चीजें होती रहेंगी, नया इंटरफेस है, वो अलग क्यों है, वो आगे जाके हम सब के हिसाब से बड़े बड़े एक्सचेंजेस को टक्कर क्यों देगा, क्यों, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सचेंजेस के पास क्या होती है कि जब आप अपना क्रिप्टो या किसी एक्सचेंज पर डिपॉजिट करते हैं तो आप हर वक्त उस पूरे क्रिप्टो को ट्रेड में नहीं रखते, आप चीज खरीद के वहीं छोड़ देते हैं, बार बार विड्रॉ नहीं करते, बार बार डिपॉजिट नहीं करते, वो फंड्स वो एक्सचेंज अपने लिए यूज करता रहता है जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि आपको दिखते हैं डिजिटल नंबर और उनके वॉलेट में होता है आपका एक्चुअल क्रिप्टो जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो पैसे बनाते हैं, आपको क्या देते हैं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। टोकन्स आपको डेली आपके बैलेंसेस पर एपीवाई देगा, हो सकता है 0.1% पर डे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इस महीने का शायद 3% आपको एपीवाई दे स्पॉट बैलेंसेस लगाने का, बट 36% पर एनम स्पॉट बैलेंसेस डालने का कोई भी एक्सचेंज एक फूटी कौड़ी नहीं देता। अगर मार्केट टूट रही है तो आप समझ लीजिए, अगर आपके पास $3,000 का बैलेंस है तो एक $300 या $400 का या $200 का वो आपसे इंश्योरेंस प्रीमियम लेगा और आपके स्पॉट वॉलेट को इंश्योर कर देगा। मार्केट अगर गिरी, बैलेंस 3,000 लोगों के जो थे आज से 10 महीने पहले,
जब मार्केट 60,000 पे थी वो गिर के $800 आ गए थे, बट अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा वो 3,000 का 3,000 बना रहेगा। मार्केट बढ़ी तो जितने वैल्यू बढ़ी उतना आपको मिल रहा है, बिकॉज आपका स्पॉट में बैलेंस पड़ा हुआ है। किसी ने सोचा तक नहीं है, क्यों? क्योंकि करते यही है वो सब, बट प्रॉफिट्स में आपको भागीदारी नहीं देते। सारे एक्सचेंजेस अपने आप को स्पॉट में इंश्योर करते हैं इंटरनली, मगर कस्टमर को उसका नुकसान मिलता है। इंटरनली वो ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं, बट कस्टमर के एंड पे क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो किसी ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए वो उस पैसे, और ब्लॉकचेन पे कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं? जो वो लोग करते हैं या जो आप डायरेक्टली ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन करते हैं। क्रिप्टो करेंसी अपने में एक मैजिकल एलिमेंट है जो ब्लॉकचेन बेस्ड है। ब्लॉकचेन बेस्ड का मतलब एक बार ट्रांजैक्शन हो गया उसको हम अमेंड नहीं कर सकते, अगर अमेंड करेंगे तो उसका भी एक ट्रांजैक्शन हैश बन जाएगा, यानी हर चीज की हिस्ट्री आ जाएगी। यहां पर एस कैश के साथ आज की डेट में अगर मेरे पास 1,000 एस कैश है, मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ ये देखता हूं कि टोकन्स, एक अगर मैंने एक्सचेंज का एग्जाम्पल लिया और मुझे आज उसका प्रायोरिटी एलोकेशन मिल रहा है 3 सेंट पे, उसी एलोकेशन के लिए जिसमें मिनिमम टिकट साइज कम से कम $20,000 चाहिए होता, आज एस कैश के, एस कैपिटल के साथ जो इन्फ्लुएंसर्स और फाइनेंसर्स है वो 3 सेंट पे इसका फायदा उठा सकते हैं। सो अगर आज मैं 1,000 एस कैश जिसकी वैल्यू $1,110 है, हम उसमें वही वैल्यू लेते हैं जो वेबसाइट पे है, एक्सचेंज पे या किसी और प्लेटफॉर्म, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे नहीं, एक्सचेंज पे उसकी वैल्यू $1.11 है गुणा 1,000 यानी $1,110। और अगर आप यहाँ पे एक शीट देखना चाहें, अगर श्रुति जी वहां पे अगर आप शीट शेयर करेंगी टोकन एक्सचेंज की, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि जो भी लोग 9 सितंबर से पहले एस कैश उस एड्रेस पे बेसिकली भेज रहे हैं उनको एलोकेशन 3 सेंट पे हो रहा है। 9 से 19 सितंबर को 3.3 सेंट पे यानी 10% महंगा, 19 से 29 3.6, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 3.9, 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 4.2, 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 4.5। वही आपका एस कैश, वही उसकी वैल्यू, बट एलोकेशन आपको एज डेज गो बाय नंबर ऑफ टोकन कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने अपने 3 राउंड्स की जो एलोकेशन है उसको ऐसे स्ट्रेटेजिकली डिवाइड किया है। अब मान लेता हूं मेरे पास एवरेज 4 सेंट की बाइंग आ जाती है, तो सबसे पहला काम देखा कि ये लोग अपनी प्राइवेट सेल कर रहे हैं 6 सेंट पे और पब्लिक सेल कर रहे हैं 9 सेंट पे। हम जब एक्सचेंजेस पे जाते हैं, हम देखते हैं ना कोई भी टोकन लॉन्च हुआ तो वहां पे क्या दिखता है कि वो 50 सेंट का था और सीधा $6 का खुला, 2 सेंट का था और सीधा 60 सेंट का खुला, कोई 20 गुना, कोई 30 गुना, कोई 50 गुना, कोई 10 गुना। बट अगर हम एक बेयर बेस कंजर्वेटिव फिगर माने 2x का भी 3x का भी, तो ये टोकन 25 से 26 सेंट के आसपास खुल सकता है, 18 सेंट 30 सेंट के आसपास खुल सकता है, मेरी उम्मीद है 70 से 75 सेंट के आसपास खुलेगा। बट जिन लोगों ने 3 सेंट, 3.5 सेंट, 4 सेंट, 4.5 सेंट एलोकेशंस ली हुई है उनकी तो लॉटरी है। सिर्फ ये इसलिए नहीं कि एस कैश को आप होल्ड कर रहे हैं इनडायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ टोकन्स, वो इसलिए भी कि कोई भी न्यू प्रोजेक्ट जहां जिसके अंदर पोटेंशियल है बढ़ने का, वहां पे आपने क्या किया, आपने तो सिर्फ मार्केट में $750-800 डाले, 1,000 एस कैश खरीद लिए, उसको $1,110 पे आपने टोकन उठा लिए जो 5x टू 6x आपके बेस प्राइस से होना ही होना है। सो आपने तो $600 $700 को $7,000 में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर टोकन्स एक्सचेंज अपने वादों पे खरा उतरता है, क्योंकि ऑलरेडी उनका प्लेटफॉर्म रेडी है 6-8 महीने से, स्लंप को देख के रुका हुआ था, सो ये यहां से 5-fold भी हो सकता है, 10-fold भी हो सकता है, गणित कैलकुलेटर लेके लगा लीजिए। अश्योरेंसेस इसके अंदर कोई नहीं है, बट आप इसके अंदर गणित आप अपना कैलकुलेटर लेके लगा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इस बात से एकदम 100% वाकिफ हो जाएं कि
क्रिप्टो करेंसी इज अ हाई रिस्क प्रेपोजिशन. हाई रिस्क प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, इसमें गेन्स भी हाई होते हैं और इसमें लॉसेस भी हाई होते हैं, बट पेशेंस इज ऑलवेज द की. आप कोई भी प्रोमिनेंट क्रिप्टो को उठा लीजिए और आप देखेंगे इन 90% ऑफ द केसेस, 100 नहीं बोलूंगा, 90% ऑफ द केसेस, अगर आपने किसी भी क्रिप्टो को 2 साल होल्ड किया है, आप प्लस में बैठे और मोटे प्लस में आप उठे हैं. हाँ, 10 में से तोमर जी ने कहा था कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पे आप नहीं उसको यूज कर पाएंगे, जहां पे आप उसका नुकसान आपका होगा, बट माय डियर फ्रेंड्स, ये पार्ट ऑफ पार्सल है. एस कैश आपको आज ऐसा मौका दे रहा है जहां पे स्टार्टिंग विद टोकन एंड एवरी 3-4 मंथ्स आपके पास ऐसे ही बेहतरीन प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे. टोकन एक्सचेंज के बारे में आपको एक बात बता दूं, आई कैनॉट नेम द एक्सचेंजेस, बट इसका जो आइडियो होगा वो दुनिया के टॉप 10 एक्सचेंजेस पे होगा. ये अपने एक्सचेंज के साथ साथ दुनिया के टॉप 20 एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेगा, एक नहीं 3 से 4 एक्सचेंजेस पे. अब अगर एक करके एक्सचेंज है KU करके, पूरा नाम नहीं लूंगा, एक एक्सचेंज है MEX करके, एक आपका एक्सचेंज है BIT करके, अब जब 4 एक्सचेंजेस इतने बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा जहां पे लिटरली मिला के 1 करोड़ ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, आप समझ सकते हैं इस टोकन की कहां वैल्यूएशन जाएगी. और आईडियो ही इसका जो, यानी इसकी पब्लिक सेल है, वो दुनिया के टॉप 10 एक्सचेंजेस में से एक में होगा. हम यहां पे एक बहुत ही सिंपल सी बात आपको समझा रहे हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, नो वे आप ये समझ लीजिए कि आप 10,000 बिटकॉइन दे करके जो पिज्जा खरीदने वाली गलती है वो कर रहे हैं, और करिएगा भी मत. मेरी सिंपल कैलकुलेशन कहती है कि मैं आज $800 लगा करके $1,110 के अगेंस्ट अपने पास टोकन एलोकेशन करा सकता हूं टोकन एक्सचेंज की सबसे पहले. और कितना वेट करना है, मैंने अपने आप को 6 महीने का होल्डिंग पीरियड दिया, 3 महीने के बाद उसकी अनलॉकिंग शुरू हो जाती है और हर महीने 5.6% के आसपास अनलॉक होते रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 18 मंथ्स. हमारा तो कैपिटल पहले और दूसरे महीने में बाहर आ जाता है, बाकी होल्ड करके रखें. और जब वो टोकन एक्सचेंज की तरह की बात कर रहा हूं, जब वो या फिर वैसे ही जो और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं वो जब खुलेंगे, वो आप अपना प्रिंसिपल बाहर करके समझ सकते हैं कि आप कितने मोटे फोल्ड प्रॉफिट्स पे होंगे. और आप ये समझिए कि अगर वो सब प्रोजेक्ट्स थ्रू एस कैश चल रहे हैं तो एस कैश की वैल्यूएशन कहां जाएगी. एज आई सेड, वी आर न्यू. हम यहाँ पे एक नॉर्मल इन्वेस्टर को मौका देते हैं कि आप $1,000 लगा करके उसको $2,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं. आपको आप उसे विड्रॉ एस कैश में कर सकते हैं और एस कैश के थ्रू आप उन्हें वेरियस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रायोरिटी एलोकेशंस कर सकते हैं, उन्हें आप एस पे में यूज कर सकते हैं, स्वॉपिंग कर सकते हैं, आप उनसे 10 चीजें और कर सकते हैं. और आगे आने वाले 2-3 महीनों में पता नहीं और कितने प्लेटफॉर्म्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो हमारे साथ आएंगे. मैं यहाँ पे अगर एक बेस बिजनेस मॉडल की बात करूं, कोई कहता है भाई इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है. हमने कोई आईसीओ कोई आईडीओ नहीं किया, हमने किसी को 1 रुपए का एस कैश नहीं बेचा, हमने कहा आप स्टेक कीजिए, स्टेक करके जो रिवॉर्ड आए उससे एस कैश को आगे फर्दर यूज कीजिए. कोई इसको 50 सेंट में बेचना चाहता है, कोई इसको $2 में बेचना चाहता है, वो उसकी मर्जी है. जो इसको होल्ड करना चाहते हैं वो उसको टोकन्स जैसे प्रोजेक्ट्स में लगा करके अपने गेन्स को मल्टीफोल्ड कर सकते हैं. और टोकन्स के साथ साथ अगर आप देखें तो उनके साथ जो एक आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसी इंसेंटिव ऑप्शन आया हुआ है जहां पे यू आर गेटिंग ग्रेट रिवॉर्ड्स. कंपनी कहती है अगर आप 5,000 एस कैश वर्थ कमिट करते हैं अगेंस्ट टोकन्स परचेज, यू हैव अ बैंकॉक ट्रिप. सो द थिंग इज you are getting rewarded, you are having fun, you are making most of the market. और दोस्तों हम देख रहे हैं मार्केट 19,000, 20,000, 21,000, 22,000 के बीच में घूम रही है, शायद 18,000, 16,000, 17,000 भी जाए. बट पैनिक सिचुएशन नहीं आनी चाहिए किसी के अंदर भी. BTC गिर भी रहा हो, आपके BTC है तो होल्ड कीजिए, नीचे आए तो उठाइए. क्यों? क्योंकि the biggest winner today is the person who holds. मेरा मंत्रा
सिर्फ अपने साथ जो जुड़े हैं, जो क्लोज वंस हैं, उनको ये होता है कि एज मेनी एस कैश एज यू कैन होल्ड करें, स्टेक करें और उसको ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाएं जहां पे आपको उससे ज्यादा ग्रोथ दिखे। नेचुरली नए प्रोजेक्ट्स में दिखेगी, इक्विटी राउंड्स में दिखेगी। यूनिफॉर्म भी लाइव हो गया है, उन्होंने अपना पहला कोहॉर्ट लाइव किया है 4-5 प्रोजेक्ट्स का। सेकेंड कोहॉर्ट जो भी आई थिंक 4-5 दिन में वो और लाइव करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग भी साथ में। इनिशियली 20,000-25,000 एस कैश की वो स्टेकिंग देंगे, 15,000 एस कैश की वो एलपी स्टेकिंग देंगे और $10,000 की वो रिवॉर्ड्स ऑफर करेंगे। स्टेकिंग वो जो दे रहे हैं एस कैश पे वो 60% मिनिमम टू उन्होंने जो क्लेम किया है अपने उसमें वो है 400% मैक्सिमम, बट 60% मिनिमम और 60 डेज का वो लॉकिंग होगा। इस तरीके से और भी प्रोजेक्ट्स साथ साथ आते जा रहे हैं। रेडियो शैक पे हम लाइव हैं, रेडियो शैक पे भी आप देखेंगे आने वाले महीने 2 महीने में लिक्विडिटी हम और ज्यादा इसके अंदर इंक्रीज करेंगे। इट इज अ फैंटास्टिक क्रॉस चेन प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि आपके पास अपने एस कैश को बुलाने के तरीके आते जाएंगे। मैं आज कोई प्रेजेंटेशन, कोई भी मैं जबरदस्ती का गणित मैथमेटिक्स नहीं दूंगा। मैं इतना बताऊंगा कि आज अगर मेरे पास एक नया इन्वेस्टर है, मैं उसको अगर एस कैश समझाना चाहता हूं तो मैं बोलता हूं भाई एस कैश में कन्वर्ट कर ले, यूपीआई भी करना होगा तो तुझे आज कन्वर्टेड वैल्यू से ज्यादा मिलेगा बिकॉज ऑफ द ग्रोथ रेट। और अगर आप उसको एपीवाई में इन्वेस्ट करते हो तो वैसे ही आप अपने पास 100% to 125% की फिक्स एपीवाई लेते हो, उसके रिटर्न को आप वेरियस प्रोजेक्ट में लगा सकते हो। और आप एक बात समझिए, आपने आज ये पैसा अगर टोकन्स एक्सचेंज में लगाया और मार्केट में आपने जाके थर्ड पार्टी को बेचा, एक्सचेंज पे लगाया, बेसिकली आप मार्केट की लिक्विडिटी ले रहे हो। आपका $1,000 अगर $15,000 में कन्वर्ट हो रहा है तो $15,000 के वहां बायर बैठे हुए हैं जो उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास, उस एक्सचेंज के पास वो फीचर्स हैं जो आज की डेट में दुनिया में कोई एक्सचेंज नहीं दे रहा। ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम एक प्रोजेक्ट को फाइनल करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि इसके अंदर रिमी है, इसके अंदर हमारा इन्वॉल्वमेंट है, इसके अंदर हम लोग शुरुआत से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसका विजन सबसे अलग है। आज आप किसी भी इन्वेस्टर को बोल दीजिए, किसी भी ट्रेडर को बोल दीजिए, आपको आपके स्पॉट वॉलेट पे इंश्योरेंस मिलता है, हर 24 घंटे पे होल्डिंग पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो कहेगा इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो पॉसिबिलिटी उसे किसी एक्सचेंज ने दिखाई ही नहीं है। आज सीजेड जैसे लोग, एक्सचेंजेस के जो ओनर्स हैं, 10-10, 20-20, 50-50 बिलियन डॉलर के मालिक कैसे बन गए हैं? क्योंकि वो पैसा आप में नहीं बटा। जहां एक प्रोजेक्ट ऑनेस्टली अपने यूजर्स को बेनिफिट्स देना चाहता है, वहां कोई बड़ी बात नहीं है कि बाइनेंस से 5 गुना ज्यादा यूजर्स यहां पे हैं, प्रोवाइडेड सपोर्ट सिस्टम के लोग अपना अच्छा रखें। ये कैसे पॉसिबल होगा? ओनली थ्रू एस कैश, बिकॉज आपको इसमें एंट्री मिलेगी ओनली थ्रू एस कैश। हाँ, अगर आपको 9 सेंट पे और 6 सेंट पे माल खरीदना है तो फिर आप प्राइवेट सेल का वेट कीजिए, और पब्लिक सेल जो एक्सचेंज पे होगी आईडीओ, उस पे आप 9 सेंट का यही प्रोडक्ट खरीद सकते हैं जो आपको 3 सेंट का भी मिल रहा है। एस कैश की वैल्यू समझनी पड़ेगी। मैं समझता हूं मेरे साथ आज की डेट में अगर यहां पे 330 लोग बने हुए हैं, इसमें काफी लोग समझते हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि जब कोई कंपनी बढ़ती है तो उसके आसपास नेगेटिविटी नहीं आती, नेगेटिविटी भी आती है। कई लोग जो इसी सिस्टम में जुड़े हुए हैं, उनको लगता है नहीं यार, हम अपना कुछ बड़ा काम, इससे बड़ा हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो इससे बेहतर हो। मैंने देख लिया पिछले 1 साल में बहुत लोग नहीं कर पाए, हर 2-3 महीने में वापस हमारे पास आके बात करते कि भाई क्या चल रहा है, कहते सब कुछ इट इज ऑल फैंटास्टिक, वी आर ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स। फिर वो कहते हैं कि हम यहाँ पे पैनिक क्रिएट करते हैं, हमारे एडमिन का ट्रस्ट वॉलेट हैक करने की कोशिश करी गई। ये सब ट्रिक्स हैं जो कुछ लोग तैयार करते हैं। एंड अगर हम ग्रो कर रहे हैं, हमने यहाँ पे रिस्क एनालिसिस टीम डाल दी है जो इन सब ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करती है। दोस्तों, आप सबको मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ, आपके पास कई एयरड्रॉप्स आएंगे। अगर आप अपना एड्रेस कभी भी बीएससी स्कैन पे चेक करेंगे, जिसपे आप एस कैश मंगाते हैं, यूएसडीटी मंगाते हैं, आपका जो प्राइवेट एड्रेस है उसमें बहुत सारे एयरड्रॉप्स आए हुए होंगे, बहुत सारे कॉइन्स के, हो सकता है इथेरियम का भी आया हुआ हो, रैप इथेरियम का आया हुआ हो, इथेरियम एल, इथेरियम आर, इथेरियम पी, इथेरियम डब्ल्यू, और उसके आप वैल्यू चेक करेंगे तो $800, $900 आपको दिखा रहा हो,
पर दोस्त जैसे ही आप उसको स्वॉप करोगे यूएसडीटी के अगेंस्ट, जनरली स्वॉपिंग के लगते हैं 25-30 सेंट, वहां वो मांगेगा $1.25, आप स्वॉप करोगे वो उप्स करके कुछ आपको एक रॉन्ग मैसेज दे देगा और आपका वॉलेट हैक हो जाएगा, फिर देखते देखते आपके वॉलेट में सारा सोना चांदी खत्म। सो मेरा मानना है कि सिर्फ जो कॉइन्स आप ट्रस्ट करते हैं उन्हीं पे किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाएं और ट्रांजैक्शंस करें, अदरवाइज अपने वॉलेट को सेफ रखें, अपने पैराफ्रेज किसी से शेयर ना करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पैराफ्रेजेस किसी से शेयर ना करें। अगर आपको कोई लिंक दे कि प्लीज क्लिक दिस लिंक एंड लिंक योर वॉलेट यू विल गेट दिस एयरड्रॉप, ना करें, क्योंकि पिछले कई दिनों में ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स हैं इस कैश के जो हैक हुए, और हैकर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 10 सेंट मिलेगा तो भी वो बेचेगा, उसको $2 मिलेगा तो भी वो बेचेगा, उसको तो बेच के पैसा बनाना है, क्योंकि ऐसे उसके पास कई लोग फंसते जाएंगे जो उसके लिंक्स पे क्लिक करेंगे। 10,000 लोगों को लिंक देगा, 5 लोग लिंक क्लिक करेंगे। एटलीस्ट जिनको जो हमारे साथ हमारी बात सुन रहे हैं वो इन चीजों से रिफ्रेन करें। फ्रेंड्स, जब शुरुआत में बैलेंस आया था, शुरुआत में कोई भी हम एक्सचेंज की बात करें जो आज बड़ा है या नहीं भी है, ये जब एक्सचेंजेस आए थे शुरुआत में कुछ भी नहीं थे, 5 लोग, 10 लोग, 8 लोग, मैटिक जैसी कंपनियां 4-5 लड़कों ने मिलकर बनाई 2018 में, 2018 में, 2017 में। उस टाइम पे जब जब बिटकॉइन उस $10 $100 से बढ़ के $6,000 $8,000 छू के आया था, $15,000 छू के आया था, उसके बाद बनाई और आज दुनिया के टॉप 20 मार्केट कैप्स में है। क्यों? क्योंकि उनका यूज केस बहुत इंपॉर्टेंट था, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को स्ट्रांग रखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि यार हमारा टोकन ना $2 से जाके 70 सेंट पे आ गया। अरे भाई, अगर मैटिक $2 से जाके 70 सेंट पे आ गया, 60 सेंट पे आ गया, कोई बात नहीं, आज वापस 90 सेंट पे है, कल हो सकता है फिर $4 पे जाए। मगर फायदा किसको होगा? फायदा उसको होगा जिसने मैटिक 5 सेंट पे, 2 सेंट पे, 1 सेंट पे उठाया है। और यहां मैं इस ग्रुप में इन 330 लोगों में जानता हूं कई लोगों को जिन्होंने मैटिक को 1 सेंट, 2 सेंट, 5 सेंट पे उठाया है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 10-10 हजार BNB उठाए हैं 10 सेंट 15 सेंट पे, बिटकॉइन उठाए हैं $500-500 पे, $700-700 पे 2016 में, शायद और कम, और होल्ड करके रखे हैं। कोई वैल्यू नहीं थी उनकी तब, या कम वैल्यू थी, या लोगों को लगता था अरे यार कोई चीज $600 पे आ गई वो नीचे कैसे आ सकती है। भाई साहब, वो चीज $60,000 पे भी गई थी और 2024 के बाद वही चीज $2.5-3 लाख पे भी जाएगी नेक्स्ट हैविंग के बाद। सेम विल हैपन विद एस कैपिटल। 50 करोड़ टोकन हमने हमने शुरुआत की थी एंड इट वाज जस्ट अ ट्रायल कि यार ऐसा हो सकता है। हमको जो मार्केट से रिस्पॉन्स मिला, हमने 48 करोड़ टोकन बर्न कर दिए हैं। आप एस कैश का कॉन्टेक्ट एड्रेस डालिए, चेक कीजिए, 48 करोड़ टोकन्स बर्न कर चुके हैं जिसका एक्सेस ना मेरे पास है ना किसी के पास है, ना सतोशी नाकामोतो उसको यूज कर सकता है, ना उस बर्न एड्रेस का क्रिएटर उसको यूज कर सकता है, क्योंकि उसकी कीज डिस्ट्रॉयड है। सिर्फ 2 करोड़ अब एस कैश रह गए, और 2 करोड़ एस कैश में अगले 2 साल के अंदर ये वैल्यूएशन कहां जाएगी आप और मैं गणित भी नहीं लगा सकते। मैं ये नहीं कहता कि $2,000 का होगा, मैं ये नहीं कहता कि $2 का होगा, बट सीइंग द पेस मार्केट के अंदर, जब एस कैश बचेंगे ही नहीं तो आपको इन्वेस्ट, जो हमारा एक सिंपल फंड है, एस कैश विल ऑलवेज बी नंबर वन, विल ऑलवेज बी आवर प्रायोरिटी, बिकॉज कोई भी प्रोजेक्ट हमारे साथ आ रहा है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हमारे पहली कंडीशन होती है एस कैश में होगी। एस कैश मार्केट से प्रोक्योर करना होगा, और एस कैश जो लोग होल्ड कर रहे होंगे, आप लोग जो अर्ली होल्डर्स होंगे, सिर्फ उन्हीं के पास एस कैश के बैलेंसेज होंगे। सो विनर्स एट द एंड ऑफ द डे आप ही लोग होंगे। ऑर्गेनाइजेशन विल ओनली विन जब हमारे साथ जो हमारे इनिशियल होल्डर्स हैं दे स्टार्ट मेकिंग ग्रेट मनी, और उसका मौका टोकन से शुरू होता है। एंड इट विल फर्दर गो ऑन। हमारे साथ जो पार्टनरशिप्स हैं, मेरे अगर आज मेरे पास, मेरे एक दोस्त ने पूछा कि भैया मेरे पास 3,000 एस कैश है, मैं क्या करूं, मैंने उसको कल ही राय दी, और ऑनेस्टली बता रहा हूं कल राय दी, मैंने कहा भाई 1,000 एस कैश यूनिफॉर्म पे डाल देना, एपीवाई मिलेगी, 1,000 एस कैश से 1,500 एस कैश आप उठा के
टोकन्स में उठा देना, 3 महीने बाद से उसकी अनलॉकिंग शुरू हो जाएगी, और बाकी होल्ड करना, बिकॉज मार्केट के अंदर जब डिमांड आएगी इस कैश की, तो आप अपने प्रोक्योर्ड रेट से 3-5x डिपेंडिंग अपॉन आपको कितने कैश रिजर्व होता है आप उसे निकाल सकते हो. That is exactly what we have to do as holders. हम लोग यहाँ पे buyers और sellers बन के नहीं आए हुए, हम लोग यहाँ पे holders बन के आए हुए. किसी भी अच्छे cryptocurrency, किसी भी अच्छे project के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए होता है कि हम लोगों के पास एक strong community of holders हो. देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है कि $1,000 का आज investor कल $3 million बनाए, और $50,000 का investor हो सकता है $1 billion बनाए, बट वो तभी बनाएगा जब वो होल्ड करेगा. किसी भी प्रोजेक्ट को 80 सेंट या 90 सेंट या $1 पे खरीद के $1.30 पे भी बेच देने वाला कभी भी उस लेवल को, हाँ हो सकता है ही माइट बी ग्रेट 20% अ मंथ, बट $1,000 से आप $1,00,000 20% पर मंथ पे नहीं बना पाएंगे. उसके लिए आपको स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, और वो एस कैश के साथ ही पॉसिबल है इस समय, बिकॉज वी आर ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग. आज मेरे पास एक बंदा अगर $1,000 लेके आता है, मैं कहता हूं भाई तुझे एक साल के अंदर $2,000 वर्थ के एस कैश मिलेंगे, उनको तू 50 जगह लगा पाएगा, अभी सिर्फ 6-7 जगह यूज कर पा रहा है. ऐसा नहीं है कि मैं बोलता हूं कि आप पूरा पूरा एस पे पे लगा करके यूपीआई कर दो, नहीं भैया यूपीआई करने की हमें, हम अपने एस कैश को इतनी, हाँ किसी को मुझे शो करना है, ट्रांजैक्ट करना है, कोई बंदा डीप इंटीरियर्स में जो क्रिप्टो को नहीं समझता, हाँ उसके लिए बहुत अच्छा है. वो कहते भाई मैंने 10,000-50,000 रुपए के एस कैश लगाए हुए हैं, अब मुझे ₹1,00,000 के आसपास की यूपीआई ट्रांजेक्शन, 1,80,000 रुपए की यूपीआई ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे बिकॉज ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ एस. उसके लिए बहुत बढ़िया है, उसको नहीं इतना ज्यादा समझना, ना उनको हम इतनी टेक्निकलिटी समझा सकते हैं. क्यों? क्योंकि कई जगह पे अगर हम देखें तो हमारा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो और 15-20 साल लेगा शायद सब लोगों को बेस की जानकारी ठीक से देने में. और आज अगर हमारे पास ये नॉलेज आई हुई, आज हमारे पास इस चीज का फायदा आया हुआ है और हम उसका फायदा ना उठाएं तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात. मैं अभी जो भी ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ या जो भी लेक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोग, आपके पास जो स्ट्रॉन्ग टूल है उसको, जो आइडेंटिफाई कर चुके हैं वो आगे आगे उसको पॉपुलेट करें, और जो नहीं समझे वो उसको समझें. हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग, हमारे पास जब कोई एक आदमी आके बोलता है भाई हमें इस कैश सेल करना है, हम इसको इस रेट पे सेल करना चाहते हैं, हम इमीडिएटली उसको बायर से मिलाते हैं, बोलते हैं इस बायर को आप इस रेट पे दे दो. वो बायर जानता है वो होल्डर है, वो हंसता है कहता थैंक यू सो मच माय ब्रदर. क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आज की डेट में अगर मैं 80 सेंट का भी एस कैश खरीदता हूं तो मैं $1.11 पे टोकन्स पे लगा देता हूं, सीधा 40% का बेनिफिट होता है मुझे वहां पे. यही एक फर्क है एक एजुकेटेड इन्वेस्टर में और एक ऐसे इन्वेस्टर में जो कैलस है, जिसको शायद मालूम नहीं है, वो केयर फ्री है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो 10%, 5%, 15% पर मंथ से भी खुश है. बट हम एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम का पार्ट सिर्फ इसलिए बनने नहीं आए हैं कि हम सिर्फ 5%, 10% या 15% से खुश रहे. हमको उसको 5x, 10x, 15x, 100x, 200x, 1000x भी बनाना है. और ऐसा नहीं लोगों ने बनाया नहीं, हर साल बनाते हैं, हर साल लोग बनाएंगे हमारा, और हम भी इसको इस लेवल पे लेके जाएंगे. दोस्तों 2 करोड़ एस कैश सिर्फ, आज 2 करोड़ बिटकॉइंस की वैल्यू $60,000 पर बिटकॉइन तक की गई थी, हम अभी $1 भी नहीं पहुंचे हैं और हमारे पास उससे ज्यादा यूज केसेस है. कंपेयर कर लीजिएगा. और अब तो थर्ड पार्टीज भी एस कैश पे APYs दे रही हैं. आगे हम कुछ लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स को भी लाइव करने वाले हैं जो आपके एस कैश रख के उसके अगेंस्ट आपको USDT लेंड करेंगे, यानी आपको बेचने की भी जरूरत नहीं है, एस कैश लेंड कर लीजिए अपने एस कैश को डिपॉजिट करके. सो आपके पास वो हर चीज सामने आएगी जो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, मैं मानता हूं आप सब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, आप सब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स उसको देख पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, तोमर जी,
अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी, जी, मैं एक बार चाहूंगा आप एक बार अपनी पीपीटी के बेसिक इनिशियल दो तीन स्लाइड जरा आप रन करें। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखो और इसके अंदर दोस्तों मैं यहां पर आपसे सिर्फ एक ही बात क्लियर करना चाहता हूं कि एस कैश को आप एक का दो प्लेटफॉर्म ना समझें, प्लीज। वी आर नॉट एक का दो प्लेटफॉर्म, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, हम बिल्कुल वैसा नहीं है, हम एक का दो प्लेटफॉर्म ना समझे। हाँ जी, हम आपको 100% APY देते हैं, बट उस APY देकर के उस एस कैश को भुनाने के तरीके दे रहे हैं। कोई उसको 10% पे निकाल जी, जी बिल्कुल, सर, बिल्कुल। सर आगे स्लाइड जरा लेके जाइए अपने, नेक्स्ट, दैट्स इट। हम, दिस इज आवर बेसिक एम एस का, हम क्या करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू इवॉल्व द ट्रेड। ब्लॉकचेन पे हम काम करते हैं, हमारे पास अलग अलग तरीके के यूजर्स हैं, वी हैव एक्स प्रोजेक्टेड ग्रोथ, वी गिवन एक्स APY। व्हाई चूज एस सर, कैन वी हैव, कैन वी कम ऑन दैट। हम एस कैश, जैसे मैंने आपको बताया, एस कैश मेरे लिए ऐसा, मेरे लिए अगर सिंपली कोई मेरे से पूछे भाई व्हाई शुड आई इन्वेस्ट विद एस कैश, आई हैव टू इन्वेस्ट विद एस कैश बिकॉज यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज मेरे 1,000 रुपए के बदले मुझे 2,000 रुपए की एस कैश देता है, वर्थ 2,000 रुपीज। और उन 2,000 रुपीज को 200,000 रुपीज बनाने के 10 तरीके दिखाता है, और वो भी सब थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया ने आज तक पैसे बनाए। वी टॉक अबाउट स्मॉल प्रोजेक्ट्स, बिग प्रोजेक्ट्स, यहां हम बात करते हैं कॉइन DCX, बायजूस, जोमैटो, इथेरियम, पॉलीगॉन, फेसबुक। मतलब 2000, मैं आपको जोमैटो की कहानी बताता हूं। इन 2009 आई वेंट टू अ मैरिज, 2008-09 इन अलाहाबाद, वेयर फ्यू स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, कॉलेज ग्रेजुएट्स वर डिस्कसिंग अ फूड डिलीवरी सिस्टम कॉल्ड जोमैटो। उन्होंने 15-20 लोग थे, जिसमें कुछ फाउंडर्स थे, कुछ मेन टीम थी, और वो उस समय जोमैटो डिस्कस कर रहे थे। जोमैटो 1,00,000 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंचा था। उस समय अगर कोई उनको 50,00,000 रुपए भी देता तो वो 40% कंपनी का उठा लेता। दैट इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग इनिशियली। आज की डेट में अगर आप समझते हैं कि एक बड़ा सक्सेसफुल एक्सचेंज है तो उसकी वैल्यू कई 1,000 करोड़ होती है। टोकन्स एक्सचेंज शुरुआत में सिर्फ 30 या 40 करोड़ रुपए का टोटल मार्केट से पैसे ले रहा है, और उस पैसे को कंट्रीब्यूट जो करने में मदद करेगा वो नेचुरली उस एक्स फोल्ड का फायदा उठाएगा। सेम हैपेंड विद फेसबुक। मार्क ज़करबर्ग अपने कॉलेज, ये क्या था, फेसबुक वाज वन ऑफ हिज कॉलेज प्रोजेक्ट्स। कोई उस पे बोलता है कि यार वो किसी और का प्रोजेक्ट उसने चुरा लिया, किसी और ने उसका चीटिंग कर ली। भाई किसी ने क्या कर लिया भूल जाओ, वो क्या करके आज बैठा हुआ है वो देखो। उस समय अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए होते तो आपके पास फेसबुक की 10% इक्विटी होती। आज उस 10% इक्विटी का मतलब कितने 1,000 करोड़ होता, शायद मैं भी नहीं गिन सकता, शायद 80,000 करोड़, 70,000 करोड़। सो मैं अभी इस प्रेजेंटेशन पे जो सब आपके स्क्रीन पे उस पर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको ये रेफरेंसेस इसलिए दे रहा हूं सर, यू अंडरस्टैंड कि आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी अब आएगी और आगे भी आएगी ओनली थ्रू एस कैश। आप उसे होल्ड करेंगे, आप उसे संभाल के रखेंगे तो ही आप उसका ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। आप मुझे एक टॉप दुनिया के सबसे बड़े बिटकॉइन के जो मालिक हैं, ओनर्स हैं, रिचेस्ट पीपल हैं, जिनके पास बिटकॉइन जो इथेरियम है, आप मुझे एक नाम बता दीजिए जिसने बिटकॉइन पहली बार जिंदगी में 2020 में लिया हो। एक नाम नहीं बता पाएंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि उन सब लोगों ने बिटकॉइन 2010, 11, 12, 13, 14 में ही लिए। उनके पास जो होल्डिंग्स है वो तभी की हैं। उसके बाद वो माल बेचते गए, माल खरीदते गए, ट्रेडिंग करते गए, जब उस चीज ने अपनी वैल्यूएशन 100 गुना, 500 गुना, 1,000 गुना बना ली।
भीड़ आएगी, करोड़ों लोग इस कैश को अडॉप्ट करेंगे, बट विनर्स पहले 5-10 हजार होल्डर्स ही होंगे, एंड दैट देन दैट विल हैपन। आई थिंक ऑलरेडी आप लोग आज 12 बजे से वेट कर रहे हैं, सवा एक हो गए हैं। मेरा आज सिर्फ फोकस इस चीज पे था कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके अपने टोकन की वैल्यू समझें, उसको होल्ड जरूर करें, उसे ऐसी जगह जरूर लगाएं जहां पे वो आपको गेन्स दे सके। सस्ते में बेच दो .com वाले बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, बहुत लोग अभी खड़े हो जाएंगे लाइन लगा के, बट अर्ली होल्डर अगर उसका बेनिफिट नहीं उठा पाए तो सबसे ज्यादा आई वुड से अफसोस हम ही लोगों को होगा, बिकॉज यही अर्ली होल्डर्स है जिन्होंने सबसे पहले फेथ दिखाया कंपनी के अंदर। हम लोगों को किसी से डिसोसिएट करना नहीं अच्छा लगता, हम चाहते हैं हम सबके साथ एसोसिएट करते रहे, सबके साथ ग्रो करते रहे। हाँ, हमारे साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारे साथ इश्यूज आएंगे, ईगो इश्यूज आएंगे, ईगो हसल्स होंगे, टेक्नोलॉजी इश्यूज होंगे, बग्स होंगे, वी विल फाइंड इट आउट, वी आर सेटिंग अप थिंग्स। हमारे पास इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हमारे पास बड़ी कैपिटल कंपनीज आ रही है जो हमारे साथ एस कैश के अंदर एज इक्विटी कंपनीज खुद इन्वेस्ट करना चाह रही है, हम लोग उनको भी इवेल्युएट कर रहे हैं। वी वॉन्ट स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स विद अस जो हमारे साथ खड़े रहे, एंड यू विल सी कि जो इनिशियल टोकन्स के जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितना एक्स कमाते हैं। अगर आज आप मेरा टेक मानेंगे तो 3x पे तो आप आज बैठे हुए हैं कंपेयर टू डिसम्बर, और अगर वो 5x पे वो उसका आईसीओ खुलता है तो आप लोग 15 गुने पे आप डे 1 पे बैठे हैं। आगे कितना ऊपर जा सकते हैं ये आप सब लोगों की और आई गेस मार्केट्स के ऊपर डिपेंड करता है, और मार्केट्स भी मुझे लगता है एज एंड व्हेन द ईयर पासेस बाय थोड़ा सा और बेटर होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप लोग अपने इन्फ्लुएंसर से बात करें, यूनिफॉर्म के अनाउंसमेंट्स की तरफ देखें, हम लोग और प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, किसी को दुविधाएं हो वो मंडे के बाद से सपोर्ट टिकट हमारा लाइव हो जाएगा, आप सपोर्ट टिकट से हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे, और I'm sure you are gonna see a better ACE ecosystem in the coming week or so. With this, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज वेट करने का। मैं बहुत माफी चाहता हूँ आज जो ये आज गुफ अप हुआ ये 100 पार्टिसिपेंट्स का और फाइन पार्टिसिपेंट्स का। एक टाइम ऐसा था जो हमारे सिर्फ 25-30-40 पार्टिसिपेंट्स हुआ करते थे, और हम लोग कहते थे यार 100 करने हैं, अब हमारे 350 हो जाते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है इसको विल टेक इट टू 1000, एंड आई एम श्योर अगस्त अक्टूबर फर्स्ट वीक हम 1000 के प्लान्स को लेकर के आएंगे, और वी विल हैव 890,000 पीपल इन एवरी मीटिंग, और हमारे होल्डर्स भी 8-10 गुना यहां से बढ़ के जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने घर जाएं, एंजॉय योर संडेज, एंजॉय योर वीकेंड, God bless you. Lots of love. Bye-bye. You may finish the meeting, please.